तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो देख सकते हैं आप, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग को शूट कर रहा हूं, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद टाइम लगा है मुझे ब्लॉग बनाने का। बहुत टाइम से सोचा था ब्लॉग के लिए, पर टाइम नहीं लग पा रहा था। तो आज आया हूं मैं अपने पुराने हॉस्टल, और आज आपको दिखाता हूं अपना हॉस्टल। तो गाइस, आप देख सकते हैं अभी आ चुका हूँ मैं बाहर, और आज काफ़ी टाइम बाद अपने हॉस्टल आया था, तो थोड़ा अभी बाहर के टाइप तरफ आए हैं घूमने। ये आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे दोस्त, ये राहुल है, ये शोभित। तो हॉस्टल में भी परेशान हो गए थे आज सुबह से, कहीं जाना नहीं हुआ सुबह सुबह, तो सोचा क्यों ना थोड़ा बाहर की तरफ जाया जाए और ब्लॉग शूट किया जाए। काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बनाया था, 2-3 महीने तो कम से कम हो ही गए थे जब से मैं लॉकडाउन के बाद अपने हॉस्टल आया था। उसके बाद फिर बीच में मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था, उस वजह से फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था। तो चलिए आज थोड़ा आपको दिखाते हैं ऋषिकेश। ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, थोड़ी देर में अंधेरा पड़ जाएगा, पर थोड़ा दिखाते हैं यहाँ का सीन क्या है। तो चलिए, तो गाइज आप देख सकते हैं इस टाइम हम ऋषिकेश वाले फ्लाईओवर पर आ चुके हैं, ये देखिए। और आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं इस टाइम, ये देखिए। और मैं आपको अपना हॉस्टल भी दिखाता हूँ यहाँ से, ये देख सकते हैं आप मेरा हॉस्टल, ये रहा यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और ये व्यू चेक कीजिए आप यहाँ से, क्या गजब का व्यू आ रहा है इस टाइम। थोड़ा हम लेट हो गए, नहीं तो और भी थोड़ा साफ व्यू आता, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देखिए, बिल्कुल गाड़ियाँ कैसे तेज रफ्तार में भाग रही है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे दोस्त लोग, ये देखिए, ये राहुल, ये शोभित, ये मेरे यहाँ 6 महीने से मेरे साथ हैं, जब से मैं हॉस्टल आया था। और अभी इनकी ट्रेनिंग की, अब ये भी लोग, ये लोग भी जाने वाले हैं, इनका भी लास्ट मंथ बचा हुआ है ये, उसके बाद फिर कब मिलते हैं कुछ पता नहीं। इसीलिए फिर कल मैं ऋषिकेश आया इन लोगों से मिलने, सर औरों से मिलने अपने। और आज काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, बहुत दिनों बाद यहाँ पे वापस घूमने का सीन बना दोस्त लोगों के साथ अपने। तो चलिए चलते हैं थोड़ा आगे और दिखाते हैं थोड़ा आगे का भी आपको व्यू। और ये तो ये आप देख सकते हैं मेन प्रॉपर ऋषिकेश, यहाँ से 13 किलोमीटर है, कर्णप्रयाग 182 और बद्रीनाथ 300 किलोमीटर दूर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, काफ़ी समय बाद यहाँ आना हो रहा है आज, ये आप देख सकते हैं यहाँ का मार्केट, श्यामपुर का मार्केट ही यहाँ पे। तो गाइज आज की जो वीडियो है ये थोड़ी बहुत ज़्यादा उस पर नहीं बना पा रहा हूँ मैं, क्योंकि आज काफ़ी समय बाद बना रहा हूँ, तो थोड़ा मिस्टेक भी हो ही रही है बोलने में। तो अब जब भी मुझे टाइम लगेगा तो ब्लॉग डेली आएंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहें। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, एंड बाय बाय।